तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर न्यूज़ को कैसे स्क्रॉल करवा, इस तरह से जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इस तरह की न्यूज़ हम अपनी वेबसाइट में किस तरह शो करवाएंगे। तो चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर दोनों लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने आ जाना है प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे करना है। तो इसके लिए हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी न्यूज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल होगी। तो यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च कर लेना है WP न्यूज़। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो प्लगइन शो हो जाएगा, जो सबसे पहले पहले प्लगइन होगा, ठीक है, तो हम उसके ऊपर देख लेते हैं। ये वाला आपके पास हो गया WP न्यूज़ एंड स्क्रॉलिंग विजेट्स, इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसको हम करेंगे एक्टिव, ठीक है, इसको हम अब करेंगे एक्टिव। ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के बाद ये हमें कहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ये न्यूज़ का शो हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी ऑल न्यूज़, एड न्यूज़ आइटम। आप इसमें जिस तरह हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं, इस तरह आप अपनी न्यूज़ को क्रिएट करेंगे सेम एज इट इज़। उसके अंदर आप कैटेगरीज भी बना के क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी दो तीन न्यूज़ ऐड करके अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा फ्री का, यहाँ पर आपके पास कौन से आ जाएंगे, न्यू न्यूज़ आइटम आ जाएंगे। तो आपने इसके अंदर, मैं क्या करता हूँ, चंद एक न्यूज़ इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट में आ जाता हूँ, यहाँ पर ये वाली हम न्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमने इसको किया कॉपी, यहाँ पर हमने इसके अंदर दे दिया टाइटल। टाइटल देने के बाद हम पिक्चर को भी अगर सेव करके देखें तो पिक्चर को भी ऐड करके देखते हैं कि अगर हमारी पिक्चर ऐड हो जाए, तो अगर पिक्चर ऐड हो जाए तो भी वेल एंड गुड है। यहाँ पर से हम इसकी डिटेल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आपने कोई से भी दो तीन न्यूज़ को ऐड करके, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सेट न्यूज़ इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। अपडेट मीडिया फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद जो मैंने अभी फ़ोटो डाउनलोड किया हम उस फ़ोटो को यहाँ पर लगा देंगे। जैसे ये वाली फ़ोटो थी, इसको मैं ओपन करूँगा, यहाँ पर ये फ़ोटो आ जाएगी। इसको हम कह देंगे सेट न्यूज़ इमेजेस, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, पब्लिश। ये क्या हो गई आपकी न्यूज़, क्या हो गई, पब्लिश। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐड न्यू आइटम, एक और न्यू आइटम ले लेते हैं। न्यू आइटम लेने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसके आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसकी डिटेल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। डिटेल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। इसकी पिक्चर अगर लेना चाहें, कोई भी पिक्चर को लगा देते हैं। यहाँ पर सेट न्यूज़ इमेज के अंदर हम लगा देते हैं ये वाली इमेज, ठीक है, ये वाली इमेज उसने लगा दी। तो हम यहाँ पर कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश होने के बाद ये वाली चीज़ हमारी क्या हो गई, ऐड हो गई। तो अब आपने अपनी न्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करवाना है, सबसे पहले तो हम अपनी ऑल न्यूज़ को देख लेते हैं। ये हमने ऑल न्यूज़ की A1, 2, 3, 4, 5, ये भी दो पहले से मैंने ऐड की हुई थी, तो ये 5 न्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं। अब हमने क्या करवाना है, इनको डिस्प्ले। आप अपनी वेबसाइट पर इनको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ पर से ओपन कर लेंगे, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। जब हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट ओपन है। हम अपनी न्यूज़ को डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए आप कहाँ पर जाएंगे, आप जाएंगे, ये हमने न्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया, आप जाएंगे अपेयरेंस के अंदर। अपेयरेंस में जाने के बाद आप जाएंगे अपने विजेट्स में, ठीक है। जब आप अपने विजेट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने अपनी न्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले आपने आ जाना है ये प्लस के साइन पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइड बार। साइड बार के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्राउज आल पे क्लिक करना है। तो ब्राउज आल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा हमारी लेटेस्ट न्यूज़ विजेट्स। ये वाला ऑप्शन आ गया ना, लेटेस्ट न्यूज़ विजेट्स, ठीक है। हम इस लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी। लेटेस्ट न्यूज़ विद थंब पे करेंगे तो हमारी लेटेस्ट न्यूज़ विद थंब आएंगी। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ स्क्रोलिंग विजेट्स आएंगे। तो हमने क्या ऐड करना है, स्क्रोलिंग विजेट्स। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया है। तो वो कह रहा है कि ये आपका टाइटल शो होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्क्रोलिंग विजेट्स को हम ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या टाइटल आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ का। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास कितने डिस्प्ले हों एट अ टाइम। तो हम कह रहे हैं हमारे 5 डिस्प्ले हों, हमारी डेट भी डिस्प्ले हो जाए, हमारी कैटेगरी डिस्प्ले हो या ना हो। तो आप अपनी कैटेगरी को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, आपकी जो हाइट हो वो कितनी हो। हम इसको 2000 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। आपकी स्पीड कितनी हो तो हम स्पीड क्या कर देते हैं, 500, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे अपडेट।
जब ये अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो वो जो हमने 5 न्यूज लगाई हैं वो आपके सामने आपकी वेबसाइट पे शो हो जाएंगी। तो वो क्या करने लग जाएंगी, स्क्रॉल करने लग जाएंगी। जैसे ये आपके पास स्क्रॉल हो रही है, जैसे ये देखें आपके पास ये स्क्रॉल हो रही है ना न्यूज, ये लेटेस्ट न्यूज कैसे स्क्रॉल हो रही है, ऐसे स्क्रॉल होंगी। तो ये इसकी स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप अपनी मर्जी से इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।